हे गाइस, तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सारे लोग अच्छे होंगे। और आज मैं अभी फ़िलहाल तो मुंबई सेंट्रल स्टेशन पे हूँ और मैं जा रहा हूँ जलिया टावर देखने, जो कि मोस्ट फेमस बिल्डिंग है और मोस्ट फेमस हाउस कहा जाता है इस वर्ल्ड का। तो आज मैं उसे देखने वाला हूँ, जो कि मुकेश अंबानी का है। और देखते हैं वो जगह कैसी है, कैसे दिखती है। तो चलिए और मैं आपको भी दिखाता हूँ और एक्सप्लोर करते हैं। तो फिलहाल तो अभी मैं मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे हूँ, तो चलते हैं और एंजॉय करते हैं। सो लेट्स गो। एक इन्फॉर्मेशन आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ, जैसे आप मुंबई सेंट्रल से बाहर निकलोगे, अगर आप इधर घूमने आते हो, तो यहाँ पे बहुत सारे टैक्सी वाले मिलेंगे आपको, और वो लोग इतना बेवकूफ़ बनाते हैं नए लोगों को। यहाँ से एंटीरिया टावर का डिस्टेंस जो है वो 2.2 किलोमीटर है, और ये लोग बोलते हैं 4-5 किलोमीटर है, और मनमानी चार्ज भी करते हैं। हालाँकि आप अगर समझदार हो तो मीटर से आ जा सकते हो, बट अगर ये चीज़ आप समझदारी नहीं दिखाते हो तो यहाँ पर क्या करेंगे ये लोग, मनमाने पैसे लेते हैं। तो आप इन सब जगह से सतर्क होकर चले और मैप लगा के वो चीज़ को यूज करें। यहाँ पे मतलब ये जो मुंबई जगह है ना, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के बहुत तरीके ढूंढ रखे हैं। तो जब भी यहाँ से आप घूमें या मुंबई में कहीं भी घूमें, तो हमेशा मीटर यूज करके घूमें, और वॉकिंग करके भी जा सकते हैं, आधा घंटे का रास्ता है। तो मैं तो इन्जॉय करते हुए जाऊँगा, वॉकिंग करते हुए जाऊँगा, तो आप भी साथ में इन्जॉय करें। अभी रास्ते में चलते चलते ऐसी इमारतें दिखी है जैसे देख के आप बोलोगे वाह। और ये इमारतें कहीं और नहीं, मुंबई में है। आप मेरे पीछे देख रहे हो कितनी खूबसूरत बिल्डिंग और किस तरीके का इसका डिज़ाइन है वो आप देख सकते हो, और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन। तो मुझे लगा क्यों नहीं ये चीज़ें आपको दिखाया जाए। हालाँकि जो लोग मुंबई के हैं उनको तो पता है, बट जो लोग गाँव से हैं उन्हें ये देखने को नहीं मिलता है। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो के माध्यम से उनको ये चीज़ें भी दिखाऊं कि किस तरीके से मुंबई की इमारतें होती है। तो आप देख सकते हो मेरे पीछे किस तरीके के बिल्डिंग है, गगनचुंबी बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है ये सारे बिल्डिंग है। गाइस ये देखो मुझे चलते चलते रास्ते में क्या दिखा, और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा। कितने सारे पिजन हैं यहाँ पे, इनके लिए यहाँ पे पानी का बार बनाया गया है, जिसमें जो पिजन है, कबूतर है, वो पानी पीते हैं। और देखिए, ये देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मैंने सोचा क्यों नहीं ये चीज़ आपको भी दिखाया जाए। और यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो इनको चारा डाल रहे हैं, देख सकते हो आप। और अभी मुझे यहाँ से दिख गई है इंटीलिया, जहाँ पे मैं आज जा रहा हूँ, मुकेश अंबानी का घर है, और ये मुंबई सेंट्रल के पास में ही है। तो आज मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, तो आप हमारे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने रहें, और मैं चल के पास में आपको दिखाता हूँ कि वो किस तरीके की बिल्डिंग दिखती है और कैसा। तो
गाइस अभी मैं इंटीरियर टावर के पास गया था, बट वहाँ पे सिक्योरिटी इतना ज़्यादा टाइट थी कि उन्होंने मुझे वीडियो शूट करने से मना किया, और काफ़ी ज़्यादा टाइम उन्होंने मुझे वहाँ पे बैठाया और पूछताछ किया। बट क्योंकि कुछ दिन पहले ही उनके घर के पास से कुछ बॉम्ब वगैरह मिला था और बहुत सारे घटनाएँ घटे थे, जिसकी वजह से वहाँ का सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा टाइट कर दी गई है, और उन लोगों ने मुझे वीडियो शूट करने से मना कर दिया। तो मैं तो पास से बिल्कुल उसे एक्सप्लोर नहीं कर पाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बट मैंने कोशिश की कि मैं जाके वीडियो बनाऊँ, उनसे बात भी किया, बट उन लोगों ने अलाउ नहीं किया, सिक्योरिटी वाले ने, तो मैं छोड़ दिया, क्या कर सकता हूँ। बट ठीक है, इंटीलिया टावर देखने के लिए, जो कि मुकेश अंबानी का है, ये भाई साहब भी वहाँ पे गए थे और काफ़ी दूर से आए हैं, तो ये खुद बताएंगे कि वहाँ पे किस तरीके से जो सिक्योरिटी गार्ड वाले होते हैं और जो वहाँ की उनकी सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई गवर्नमेंट की तरफ से, वो कितने टाइट सिक्योरिटी है, ये खुद बताएंगे, क्योंकि ये भी वहाँ पे गए थे। तो आपका नाम क्या है भाई साहब? सजल गुप्ता। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? आई एम फ्रॉम जबलपुर। जबलपुर से आए हैं, और आपके साथ में आपके पेरेंट्स भी हैं। यस सर। आपका नाम क्या हुआ अंकल जी? दिनेश गुप्ता। दिनेश गुप्ता, जो कि जो बड़े भाई साहब हैं, इनके पेरेंट्स हैं, और ये भी आए हैं है। तो इनके पिताजी हैं साथ में, तो ये लोग आए थे मुंबई घूमने के लिए। मुंबई घूमने के लिए आए थे, तो के लिए आए थे। हाँ, इनके घर में कुछ जो पेरेंट्स हैं, जो फैमिली हैं, वो बीमार थे, तो उनका इलाज चल रहा है, तो वहाँ पे इलाज के दौरान भी इन्होंने सोचा कि थोड़ी सी मुंबई भी घूम लिया जाए, तो यहाँ पे आए थे। और इंटीलिया टावर का एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ही बुरा रहा। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपके साथ? एक फ़ोटो भी नहीं खींच सकते आप वहाँ पे, टू मच सिक्योरिटी है वहाँ पे। सिक्योरिटी बहुत ईमानदारी से काम करती है। अच्छा, अगर आप वहाँ एक भी फ़ोटो लेते हैं तो तुरंत ही आपसे वो फ़ोटो डिलीट कराई जाती है, और या और आप वीडियो फ़ोटो अगर लेते हैं उनके मना करने के बावजूद भी, तो आपकी कार्रवाई होती है सर, आपको पुलिस पुलिस जैसा वहाँ पे पकड़ लेती है। बराबर, मैं भी गया था ब्लॉग बनाने के लिए वहाँ पे, तो मेरे साथ भी सेम किया गया था। मुझे तो वहाँ के जो पुलिस वाले थे वो बैठा कर काफ़ी ज़्यादा इंक्वायरी किया, क्योंकि मैंने कुछ वीडियो शूट किया था, बट भाई साहब तो सिर्फ फ़ोटो लिए थे, इनका भी फ़ोटो डिलीट कराया गया। ठीक है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है तो सिक्योरिटी वाले अपने काम कर रहे हैं, क्या बोल सकते हैं। गाइस, वीडियो तो शूट नहीं कर पाया, और काफ़ी ज़्यादा मूड ऑफ भी हो चुका है। इतना ज़्यादा मूड ऑफ हो गया है कि अभी मुझे वीडियो शूट करने का बिल्कुल मूड नहीं कर रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में।